नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले तो श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल का आया तूफान, लेकिन तीनों खिलाड़ी शतक के करीब आकर शतक से चूक गए। लेकिन फिर उसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने केवल 14 रन के स्कोर पर ही श्रीलंका की टीम को ढेर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला गया, जहां भारत की टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। और रोहित शर्मा ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर मधुशंका ने कप्तान रोहित शर्मा को केवल 4 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को 4 रन पर ही पहला झटका लगा। फिर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली शुभमन गिल का साथ निभाने उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में काफी संभल कर बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों का श्रीलंकाई फील्डर कैच छोड़ चुके थे, जिसका खामियाजा श्रीलंका की टीम को भुगतना पड़ा। और इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और फिर आंखें जमने के बाद दोनों ही प्लेयर मैदान के चारों तरफ रन बनाने लगे और दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो चुकी थी और विराट कोहली एक छोर पर अपना अर्धशतक बना चुके थे। फिर उसके बाद गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे शतक के करीब पहुंच चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और शुभमन गिल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने लगे थे, लेकिन तभी मधुशंका ने उन्हें 92 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और भारतीय टीम को 193 रन पर दूसरा झटका लगा। दूसरे छोर पर विराट कोहली भी शतक के करीब पहुंच चुके थे और मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन विराट कोहली भी गिल के आउट होते ही 88 रन के स्कोर पर मधुशंका की स्लोवर डिलीवरी पर आउट हो गए और 196 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट हो चुके थे। और विराट कोहली के आउट होते ही मैदान पर केएल राहुल अय्यर का साथ निभाने उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन तभी केएल राहुल भी 21 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को 256 रन पर चौथा झटका लगा। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और केवल 12 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए और 276 रन पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। फिर दूसरे छोर पर अय्यर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और अय्यर और जडेजा ने भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। अय्यर अंत में मैदान के चारों तरफ छक्के लगाने लगे, लेकिन तभी 82 रन के स्कोर पर मधुशंका ने उन्हें भी आउट कर दिया और भारतीय टीम के ये तीनों खिलाड़ी शतक के करीब आकर शतक से चूक गए और अंत में जडेजा ने 35 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवर में 357 रन 8 विकेट के नुकसान तक पहुंचाया। और श्रीलंका की टीम की तरफ से दिलशान मधुशंका ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए और उसके अलावा चमीरा को भी 1 विकेट मिला और जवाब में 358 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहली गेंद पर श्रीलंका को LBW आउट करके पवेलियन भेज दिया और फिर उसके बाद अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने करुणा रत्ने को भी LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया और 2 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर उसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने 5वीं गेंद पर समर विक्रमा को भी 0 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और 2 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अगले ही ओवर में कप्तान कुशल मेंडिस को भी बोल्ड करके श्रीलंका की टीम को 3 रन पर चौथा झटका दिया। श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में एक तरफा ढहती जा रही थी। फिर असलंका और मैथ्यूज ने थोड़ा सा मैच को स्लो किया, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने आते ही अपने पहले ओवर में असलंका को आउट कर दिया और श्रीलंका की टीम ने केवल 14 रन पर ही अपने 5 विकेट खो दिए थे। फिर उसी ओवर की अगली गेंद पर दुष्यंत हेमंता को भी शमी ने 0 रन पर पवेलियन भेज दिया और 14 रन पर अब श्रीलंका की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे और श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मोहम्मद शमी ने चमीरा को भी केएल राहुल के हाथों आउट कर दिया और चमीरा ने केवल 0 रन बनाए और 22 रन पर अब श्रीलंका की टीम अपने 7 विकेट खो चुकी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मोहम्मद शमी ने अपने अगले ओवर में मैथ्यूज को भी बोल्ड कर दिया। मैथ्यूज ने अभी तक श्रीलंका की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 12 रन बनाए थे और 29 रन पर अब श्रीलंका की टीम अपने 8 विकेट खो चुकी थी और भारतीय टीम ने भी श्रीलंका की टीम के ये 2 विकेट और हासिल करके श्रीलंका की टीम को 100 रनों से पहले बुरी तरह से ऑल आउट कर दिया और अब इस मुकाबले में जीत के बाद भारतीय टीम ने सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है और इसी के साथ भारतीय टीम के 14 अंक भी हो चुके हैं। और वहीं आज की हार के बाद श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, ऐसी ही वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।